म्यूज़िक किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूज़िक की शुरुआत हजारों वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसे रिकॉर्ड करने का तरीका थॉमस अल्वा एडिसन के साथ शुरू हुआ, जब उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1877 में फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। फिर इन्होंने 1887 में ग्रामोफोन का आविष्कार भी किया। ग्रामोफोन फोनोग्राफ का ही एक नया वर्जन था, जिसके साथ दुनिया को म्यूजिक रिकॉर्ड करने की एक नई तकनीक मिली थी। ग्रामोफोन्स आज भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी बड़ी वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, जहां इनकी कीमत 5,000 रुपये तक है। 1887 में ग्रामोफोन का आविष्कार होने के बाद 1948 में LP का आविष्कार हुआ। LP का मतलब लॉन्ग प्ले था, और ये सिर्फ साउंड को स्टोर करने के लिए बने होते थे। एक LP 44 मिनट के गाने को रिकॉर्ड कर सकता था, और फिर इसे ग्रामोफोन में लगाकर प्ले किया जा सकता था। एक LP में सिर्फ सिंगल ट्रैक को ही रिकॉर्ड कर रखा जा सकता था। इसलिए 1948 के बाद 1962 में पहली बार मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया। मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिस्टम का इस्तेमाल गानों के साउंड ट्रैक को मिक्स करने के लिए किया जाता है। 1962 के बाद 1963 में ही पहली बार कैसेट्स का आविष्कार किया गया। बाजार में आते ही कैसेट्स की लोकप्रियता बहुत ही तेजी से बढ़ी, क्योंकि ये बहुत छोटे होते थे और इनसे म्यूजिक कहीं भी सुना जा सकता था। 1963 में पहली बार जब कैसेट्स का आविष्कार हुआ, तब 1979 में पहली बार सोनी ने वॉकमैन को लॉन्च किया था। वॉकमैन एक कैसेट प्लेयर था, जिसमें कैसेट में रिकॉर्ड किए गए म्यूजिक को हेडफोन्स के जरिए सुना जा सकता था। फिर 1982 में पहली बार CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया गया, लेकिन इन CDs को फैक्ट्री में बनाते वक्त ही इनमें गाने को डालना पड़ता था। एक बार बन जाने के बाद इन CDs में गाने को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। इसलिए 1995 में पहली बार साउंड को रिकॉर्ड करने वाली CDs का आविष्कार किया गया। इन CDs के बनने के बाद भी इनमें गाने को रिकॉर्ड किया जा सकता था। कैसेट्स के बाद CD का आविष्कार होते होते बाजार में कई MP3 और DVD प्लेयर्स भी आ चुके थे। MP3 प्लेयर का आविष्कार 1997 में किया गया था। MP3 प्लेयर के बाद 2001 में एप्पल द्वारा iPod को लॉन्च किया गया। यह एक डिजिटल MP3 प्लेयर था, जिसके साथ डिजिटल म्यूजिक की शुरुआत पूरी दुनिया में हुई थी। 2001 के कई सालों बाद तक भारत में MP3 कैसेट्स, DVD प्लेयर और रेडियो का ही बोलबाला रहा। इसके बाद धीरे धीरे MP3 प्लेयर का फीचर स्मार्टफोन्स में भी आना शुरू हो गया। फिर स्मार्टफोन्स में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ। धीरे धीरे मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने स्मार्टफोन्स में ईयरफोन्स देना शुरू कर दिया। फिर 2010 में भारत का पहला ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप गाना को लॉन्च किया गया, जिसके साथ भारत में ऑनलाइन म्यूजिक की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, 1877 से लेकर अब तक हमारे म्यूजिक सुनने का तरीका इतना ज्यादा बदल चुका है। कमेंट करके आप हमें बताएं कि इस टॉपिक पर बनी यह वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।